सो फैमिली, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कब आखिरकार कब जॉनसन जीतेंगे अपना 17th वर्ल्ड चैंपियनशिप। मतलब आखिर कब वो टाइम होगा कि जॉनसन जीत पाएंगे अपना 17th टाइम वर्ल्ड चैंपियन और सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर डालेंगे, और क्या बन पाएंगे भी या नहीं भी, तो सब हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। सो फैमिली, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे और मेरा नाम है दीपांकर कांडपाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल वाइंस कर। डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर हम लोग बात करें जॉन सीना की, तो जॉन सीना 2018 में ही ज़्यादातर डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिलते थे। 2019 से जॉन सीना गायब से हो गए, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो बिल्कुल देखने को ही नहीं मिले। मतलब जॉन सीना इतने ज़्यादा बिजी हो गए, उनका शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को टाइम ही नहीं दे पाए, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। इस चक्कर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में ज़्यादा टाइम आ नहीं पाए, इसलिए उनके ज़्यादा मैच भी बुक नहीं हुए और वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा फोकस करने लगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि रॉक करने लग गए थे एक ज़माने में और रॉक बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे, वैसा ही कुछ जॉन सीना भी कर रहे हैं और जॉन सीना का भी शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी हो चुका है। तो इसमें गाइस बहुत सारे फैंस के मन में सवाल आता है कि क्या जॉन सीना जीतेंगे अपना 17th वर्ल्ड चैंपियनशिप, क्या बन पाएंगे जॉन सीना 17th टाइम वर्ल्ड चैंपियन, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही है जॉन सीना को 17th टाइम वर्ल्ड चैंपियन, क्या जॉन सीना ब्रेक कर देंगे सारे रिकॉर्ड अगर वो बन जाएंगे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। हाँ, रिकॉर्ड तो सारे ब्रेक कर देंगे, लेकिन एक चीज जो कि हम लोग कह सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच नहीं रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही होती कि जॉन सीना को एक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनाना है तो शायद अब तक बुला चुकी होती। लेकिन जॉन सीना तभी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनेंगे 17 टाइम, तभी बनेंगे जब वो अपना शेड्यूल एकदम आप लोग कह सकते हो बिजी नहीं रखेंगे। मतलब आप लोग कह सकते हो एक तरीके से वो अपनी उनकी फिल्म इंडस्ट्री उसमें कम फोकस करके वो अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई की रेसलिंग में एक फुल टाइमर बने, ना कि वो एक खाली जॉबर की तरह जॉब करें। जब वो मतलब पार्ट टाइमर बन जाए, खाली एक बार आए जाएं, बस इतना ही काम हो उनका, जब तक तो वो ऐसा करेंगे तब तक तो उनके पास कोई 17th टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप नहीं आने वाली। लेकिन जैसे ही वो एक फुल टाइमर बन जाएंगे, जैसे ही वो फुल टाइमर बनते हैं तो उनके पास डायरेक्ट आ जाएगी 17th डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। डायरेक्ट मतलब आप लोग कह सकते हो कुछ समय में आ ही जाएगी। जैसे आपने देखा था 2017 में आ गई थी जॉन सीना के पास डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, जिसकी उम्मीद लगता है किसी को नहीं लगी थी, क्योंकि जॉन सीना उस समय फुल टाइमर बन चुके थे। तो क्या जॉन सीना फुल टाइमर बनेंगे, ये भी कितने लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा। तो अभी तो भाई अब जॉन सीना से जाके पूछो, उनके कमेंट बॉक्स में स्पैम करो, उनको मैसेज करो, उन्हीं को पता होगा, हमको नहीं पता। क्योंकि भाई जॉन सीना अपना शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी रखते हैं ना, उसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब जॉन सीना ने अपने आपको बहुत बिजी पर्सन बना लिया है। लगता है जॉन सीना का माइंड बहुत जगह डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने आप को थोड़ा बिजी कर लिया और शादी भी कर ली। लेकिन वो सब जो भी है, लेकिन हम लोग यही चाहेंगे कि जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने, वो एक नए रिकॉर्ड में पहुंचे, नया नाम अपना और अच्छा बनाए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। जो वो गायब हो चुके हैं उनकी रेसलिंग वैसे ही रहे, ऐसा ना हो कि भाई जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ रहे हैं और एकदम बुड्ढों की तरह रेसलिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जॉन सीना को ना भी रिटायर करना चाहिए मेरे हिसाब से। जॉन सीना आएंगे तो उनको मिलेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, लेकिन एज अ पार्ट टाइमर आएंगे तो भाई भूल ही जाओ भाई, उनको मिलने वाली 17 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। लेकिन ऐसा फुल टाइमर आएंगे ना तो पक्का मिलेगी उनको WWE चैंपियनशिप फॉर द 17 टाइम। क्या पता यूनिवर्सल चैंपियनशिप मिल जाए, जो भी मिले भाई मिलेगी तो सही, लेकिन अब देखते हैं भाई क्या होता है। मज़ा बहुत आएगा जो भी होगा भाई जॉन सीना के साथ। लेकिन यार जॉन सीना को ये है कि अपना शेड्यूल ठीक करना पड़ेगा। जॉन सीना अपना शेड्यूल ठीक नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, और अगर कुछ नहीं होने ही वाला है तो फिर भाई फैंस को मज़ा नहीं आएगा। मतलब वही 16 टाइम पे स्टोरी अटकी रह जाएगी। और तुम लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही वीडियो को शेयर करो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।